डिस्क्लेमर, दिस वीडियो इज फॉर एजुकेशन पर्पज ओनली, वी डोंट प्रोवाइड एनी टिप्स। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज का सेशन जो रहेगा वो स्प्रेड पे रहेगा। किसी को अगर पोजिशनल ट्रेड लेना है तो पोजिशनल ट्रेड को कैसे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं उसके ऊपर रहेगा। तो ये भी एक तरीके का हेजिंग पोजिशन ही है, बट ये सेफ तरीका है। जैसे अगर आपको पोजिशनल ट्रेड लेना है तो पोजिशनल ट्रेड लेना है तो कभी भी सिंगल कॉल या पुट बाई करके नहीं जाना है, उसके साथ साथ हेज्ड पोजिशन लेके जाना है, क्योंकि कैरी ओवर कर रहे हो। नेक्स्ट डे क्या होगा कोई नहीं जानता है, ठीक है। तो हम ये अंदाज़ा लगाते हैं हमारे जो टूल है उसके हिसाब से कि ये अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है। तो जैसे अप ट्रेंड में है तो अप ट्रेंड में भी अपने आप को सेफ करना है। तो हम जब पोजीशन कैरी ओवर करेंगे तो पोजीशन हमारा हेज्ड होना चाहिए, ताकि अगर मान लो हम अप ट्रेंड का पोजीशन बना रहे हैं और किसी कारण से वो डाउन ट्रेंड में खुल गया या गैप डाउन खुल गया तो हमको बड़ा शॉक ना लगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हेज्ड पोजीशन में ही कैरी ओवर करेंगे। नॉर्मली जो ट्रेंड रहता है उसी के हिसाब से मार्केट करता है, बट ओपनिंग कई बार ऊपर नीचे हो सकता है। तो ओपनिंग अगर नीचे हो गया तो हमारा हेज्ड पोजीशन रहेगा तो हमको शुरुआत में बड़ा लॉस नहीं दिखेगा। तो जब बड़ा लॉस नहीं दिखेगा तो हमारे लिए सस्टेन करना इजी हो जाएगा। अगर हम सिंगल पोजीशन लेके जाते हैं, अगर ट्रेंड अपवर्ड भी है तो हम होल्ड नहीं कर पाएंगे अगर गैप डाउन खुल गया तो। तो उसको किस तरीके से होल्ड कर सकते हैं या पोजिशनल ट्रेड को कैसे कैरी ओवर कर सकते हैं, इसके लिए हम स्प्रेड बनाते हैं। तो स्प्रेड बनाना है तो जैसे अप ट्रेंड है तो कॉल में बुल स्प्रेड बना दिए, अगर डाउन ट्रेंड है तो पुट में बुल स्प्रेड बना दिए। अगर मान लो आप सेलिंग साइड में जाना चाह रहे हो तो जैसे मान लो अप ट्रेंड लग रहा है तो पुट में बियर स्प्रेड बना दिए, और मान लो डाउन ट्रेंड लग रहा है तो कॉल में बियर स्प्रेड बना दिए, ठीक है। तो बुल स्प्रेड क्या होता है, बियर स्प्रेड क्या होता है, इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। अगर हम मार्केट का ट्रेंड पहले आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड क्या है, तो ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए हम सबसे पहले मंथली सीपीआर पे देख लेते हैं। मंथली सीपीआर के हिसाब से सीपीआर कैसा दिख रहा है, वाइडर सीपीआर है, ठीक है, ग्रेट। लेकिन ट्रेंड क्या है, ट्रेंड क्या है, अप ट्रेंड है, वाइडर सीपीआर है, बट ट्रेंड अपवर्ड है मंथली सीपीआर के हिसाब से। अब आ जाते हैं वीकली सीपीआर, तो वीकली सीपीआर के हिसाब से अभी ट्रेंड क्या है, अप ट्रेंड है, बट हम देखेंगे तो वाइडर सीपीआर है ना, वाइडर सीपीआर है, और लेकिन ट्रेंड ओवरऑल अभी भी अप है। अगर हम इंट्राडे देखते हैं, आज का जो सिनेरियो है, आज का सिनेरियो देखेंगे तो पूरा का पूरा जिगजैग रहा और वाइडर सीपीआर का ही केस था। और जब ये फर्स्ट बेरिश कैंडल बना तो सीपीआर पे आता है, सीपीआर पे सपोर्ट लेके फिर R1 प्रीवियस डे हाई गया, R1 प्रीवियस डे हाई से फिर से सीपीआर आया और सीपीआर से फिर वो सीपीआर के अपर बाउंड्री पे ही बंद हो गया, ठीक है। तो जैसे हमको मान लो पोजिशनल लेके जाना है, तो पोजिशनल लेके जाना है तो हम बुल स्प्रेड बनाएंगे। बुल स्प्रेड में क्या करेंगे, हम 100 पॉइंट इन द मनी का कॉल बाई करेंगे, क्लियर, 100 पॉइंट इन द मनी का कॉल बाई करेंगे, और एट द मनी का कॉल या 100 पॉइंट आउट ऑफ द मनी का कॉल, जिसका भी प्रीमियम सूट करता हो उसके हिसाब से हम देखते हुए कॉल या पुट को सेल करेंगे। तो जैसे अभी निफ्टी जो चल रहा है, तो अगर इसका हम ऑप्शन चेन देखते हैं तो अभी हम 24,000 का कॉल बाई करेंगे तो कॉल जो होगा 198 रुपीस चल रहा है कॉल का प्रीमियम, ठीक है। यहाँ पे किसी को कोई डाउट है, 100 पॉइंट इन द मनी का कॉल मतलब 24,000 का कॉल चल रहा है 198, ठीक है, यहाँ पे क्लियर है। 24,000 का हम कॉल बाई करेंगे अगर हमारा व्यू है पॉजिटिव और हम पोजीशन को कैरी ओवर करना चाह रहे हैं, तो ये बुल स्प्रेड बनाएंगे। तो बुल स्प्रेड में हम क्या करेंगे कि 100 पॉइंट इन द मनी या जो भी है सूटेबल प्राइस वो देखते हुए, तो 198 का हम कॉल ऑप्शन बाई करेंगे, और क्या करेंगे इसके साथ साथ 100 पॉइंट आउट ऑफ द मनी का कॉल ऑप्शन सेल कर देंगे। तो 198 हमने बाई किया हुआ है और 76 रुपीस वाला कॉल जो है 100 पॉइंट आउट ऑफ द मनी मतलब 200 पॉइंट का स्प्रेड बन गया, 200 पॉइंट का स्प्रेड बन गया, तो आपका जो कॉल सेल किए हो वो 76 रुपीस का है। तो अगर हम नेट नेट प्राइसिंग देखेंगे तो 198 में हम 76 माइनस कर देंगे, तो हमारा जो कॉल हमको जो कैरी ओवर करना है नेक्स्ट डे में उसका प्राइसिंग हमको पड़ेगा 120 रुपीस,
ठीक है, अगर मान लो ओवरऑल व्यू अप ट्रेंड में है, मतलब अल्टीमेटली आप ये मान के चल रहे हो मार्केट को जाना ऊपर ही है, अब मान लो किसी वजह से कल थोड़ा सा गैप डाउन खुल गया, गैप डाउन खुलेगा तो क्या होगा कि कॉल जो आपने बाई किया हुआ है 24,000 का 198 वाला, उसका प्रीमियम भी गिरेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन ये जो आउट ऑफ द मनी का कॉल का प्रीमियम है वो भी उसी रेशियो में गिरेगा, तो जो नेट नेट आपको लॉस दिखेगा वो लॉस कम दिखेगा कंपेरेटिवली, ठीक है। तो जब भी आपको पोजिशन को कैरी ओवर करना है नेक्स्ट डे के लिए, आप हमेशा बुल स्प्रेड के साथ ही कैरी ओवर करेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया बुल स्प्रेड कॉल साइड में अगर जाना है, मान लो ओवरऑल सिनेरियो नेगेटिव है, मान लो आप पुट साइड में जाना चाह रहे हो, तो पुट को डायरेक्टली बाई नहीं करना है, मतलब सिंगल बाई नहीं करना है, तो हम क्या करेंगे 24,100 का पीई बाई करेंगे, ठीक है, 24,100 या 24,200 का पीई बाई करेंगे, तो ये पीई चल रहा है 130 रुपीस का, और हम क्या करेंगे 24,000 का पी को सेल कर देंगे 51 रुपीस का, तो 130 में 150 को माइनस कर देंगे तो हमारा आता है करीब 80 रुपीस का प्राइजिंग। तो अगर हम सिंगल बाई करते तो हमको 130 रुपीस का प्राइजिंग पड़ता, लेकिन हमने स्प्रेड बना दिया तो हमको पड़ रहा है ये 80 रुपीस का। मान लो नीचे के बजाय वो ऊपर की ओर खुल जाता है किसी भी रीजन से, तो हम क्या करेंगे कि मान लो ऊपर की ओर खुल गया तो हमको क्या है कि यहाँ पे जो हमने पुट बाई किया हुआ है इन द मनी का, वो उसमें थोड़ा लॉस दिखेगा, लेकिन जो 24,000 का पीए है इसमें भी हमको प्रॉफिट दिखेगा बड़ा, तो नेट नेट अगर देखेंगे तो हमको लॉस जो है वो छोटा दिखेगा, तो हम मार्केट सेटल होने तक वेट कर सकते हैं। अगर हम सिंगल बाई करके रखेंगे तो हमको क्या है कि बड़ा लॉस दिखेगा ना, तो हम होल्ड ही नहीं कर पाएंगे पोजीशन को, भले हमारा व्यू या मार्केट हमारे फेवर में जाए, लेकिन अगर ओपनिंग के हिसाब से अगर वो मिसमैच कर जाए तो हमको दिक्कत होगा, ठीक है। तो उससे बचने के लिए हम हमेशा बियर या बुल स्प्रेड के साथ ही पोजीशन को कैरी ओवर करेंगे अगर हम ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं। तो ये तो हो गया बुल स्प्रेड या बियर स्प्रेड। अब इसके विपरीत, जैसे मान लो आपका व्यू है कि नेगेटिव आएगा, लेकिन आप सेलर हो, नेट नेट सेलर हो, तो क्या करोगे आप, जैसे 100 पॉइंट इन द मनी का कॉल जो है वो सेल कर दिए, या एट द मनी का कॉल सेल कर दिए, जैसे 24,100 का 129 रुपीस के भाव पे आपने कॉल सेल कर दिया, और आप क्या करोगे 24,300 का कॉल को बाई करके रखोगे, तो अगर मान लो मार्केट ऊपर की ओर खुलता है तो आपको इसमें लॉस तो दिखेगा, लेकिन ये भी प्राइस कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ दिखेगा। तो जैसे अगर ओवरऑल व्यू आपका नेगेटिव है तो आप क्या करोगे, एट द मनी या 100 पॉइंट इन द मनी का कॉल को सेल करेंगे और 100 पॉइंट आउट ऑफ द मनी के कॉल को बाई करके रखेंगे, ताकि अगर आपका व्यू जो है नेगेटिव होने के बावजूद भी अगर पॉजिटिव खुल गया तो कहीं ना कहीं हमको एक कुशन मिलेगा। जैसे कई बार क्या होता है 200 पॉइंट 300 पॉइंट ऊपर खुल गया, तो उस कंडीशन में अगर सिंगल पोजिशन पर सेल किए हो तो मुश्किल हो जाता है उस पोजीशन को होल्ड कर पाना, या बड़ा लॉस दिखता है, तो उससे बचने के लिए हम क्या करेंगे, स्प्रेड के साथ ही जाएंगे, ठीक है। तो इसमें कॉल में बियर स्प्रेड इसी को बोल सकते हैं, क्लियर है, क्वांटिटी दोनों में सेम रखेंगे। अगर आप रेशियो स्प्रेड के साथ जाते हो तो क्या करोगे, जिसको आप हेजिंग के लिए यूज़ कर रहे हो उसको डबल क्वांटिटी करते हैं, है ना, वो रेशियो स्प्रेड है, वो भी कर सकते हो आप। जैसे हम मान लो बुल स्प्रेड बना रहे हैं, 24,000 का कॉल बाई किया तो 24,200 का टू लॉट सेल कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, और मार्केट सेटल होगा उसके हिसाब से आप इंट्राडे सेटअप को यूज करते हुए अपने पोजीशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। है ना, वो वही है, आपको कहीं ना कहीं सेफ्टी देगा। अगर आप आउट ऑफ द मनी वाले को डबल क्वांटिटी भी सेल करते हो ना, जिसको रेशियो स्प्रेड बोला जाता है, कि मतलब कॉल और पुट दोनों बैलेंस्ड लेवल पे हो जाए, तो अगर गैप अप खुला तो जो आउट ऑफ द मनी है उसका प्रीमियम कंपेरेटिवली कम बढ़ेगा, और जो आपने इन द मनी का प्रीमियम बाई किया हुआ है वो ज़्यादा तेजी से बढ़ेगा। तो अगर मान लो फ्लैट खुलता है तो आउट ऑफ द मनी का प्रीमियम डीके हो जाएगा, क्योंकि जो एक दिन का सेटलमेंट का टाइम है उसका जो प्रीमियम डीके का बेनिफिट है वो मिलेगा, और उसके बाद आप उसको हटा दीजिए, फिर इंट्राडे सेटअप में उसको अप्लाई कर दीजिए,
तो हेज्ड पोजीशन को नेक्स्ट डे जैसी जो भी ओपनिंग होता है उसके हिसाब से आपको अगर लग रहा है बुलिश है तो उसके बाद जो हेजिंग पोजीशन है उसको चाहो तो हटा सकते हो। ठीक है, तो बुल स्प्रेड और बियर स्प्रेड क्लियर हो गया। तो जैसे व्यू है, अगर मैं अभी बोलता हूं मार्केट का मंथली सीपीआर के हिसाब से सिनेरियो क्या दिख रहा है? प्रीवियस मंथ हाई टूट गया है, प्रीवियस मंथ हाई टूट गया है, तो ये कंसोलिडेट करके सीपीआर के लाइन तक भी आ सकता है। यहां पे ये कंफ्यूजन की स्थिति पैदा कर दिया है। ठीक है, कंफ्यूजन की स्थिति पैदा कर दिया और वाइडर सीपीआर है तो चांसेस है कि आ जाए, है ना। ओवरऑल सिनेरियो पॉजिटिव है क्योंकि ट्रेंड अपवर्ड है, लेकिन ये सिनेरियो हमारा सीपीआर ट्रिक को हम अप्लाई करेंगे तो जैसी आर वन प्रीवियस मंथ हाई ब्रेक हुआ है चांसेस है कि सीपीआर की तरफ आए। और यहाँ पे हम देखेंगे तो 21 ईएमए और वीवैप इन दोनों के बीच में गैप भी ज़्यादा है। जब गैप ज़्यादा होगा ना तो धीरे धीरे कंसोलिडेट करके गैप को कम करता है ना। गैप को कम करने के बाद ही वो फिर फर्दर मूव करता है ट्रेंड के डायरेक्शन में। जैसे अगर हम वीकली सिनेरियो में देखें वीकली सीपीआर के हिसाब से, तो आप देख रहे हो कि वीवैप और ईएमए के बीच में डिस्टेंस कम हो गया है ना। लेकिन यहाँ पे भी वही सिनेरियो है कि आर वन प्रीवियस वीक हाई पे खुला और रेड कैंडल बना है और जिसका क्लोजिंग नीचे की ओर हो गया है, आर वन प्रीवियस वीक हाई के नीचे, तो चांसेस है ये नीचे सीपीआर की तरफ आने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, जैसे आयरन कॉन्डोर भी बता देता हूँ। तो आयरन कॉन्डोर में आप क्या करोगे, आपको दिख रहा है कि इस हफ्ते बड़ा मूवमेंट आने वाला है नहीं, ठीक है, ये तो क्लियर है, बड़ा मूवमेंट दिख नहीं रहा है। खुलेगा ऊपर भी तो नीचे आने की कोशिश करेगा, फिर ऊपर जाने की कोशिश करेगा, कुल मिला के ये हफ्ते मार्केट जो है वो कंसोलिडेट करने की संभावना ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे, आयरन कॉन्डोर बना सकते हैं कि जैसे ये 24,300 का कॉल को हम सेल कर देंगे और ये R2 लेवल का जो कॉल है वो बाई कर लेंगे 24,662, और इधर पे नीचे में CPR का जो सेंटर लाइन है 23,800 का जो PE है इसको सेल कर देंगे और जो S1 लेवल है 23,500 का PE को बाई कर लेंगे, तो आयरन कॉन्डोर बन जाएगा। मतलब दोनों तरफ से हम दीवार खड़ा कर दिए। मान लो अगर ऊपर जाता है तो हमको पता है कि अल्टीमेटली आना इसको नीचे ही है, तो ऊपर का प्रीमियम भी गलेगा और नीचे से अगर नीचे खुल जाता है तो नीचे खुलने के बाद फिर से ऊपर आने की कोशिश करेगा, तो दोनों साइड से हमारा लॉकिंग हो गया। तो आयरन कॉन्डोर में क्या हो गया कि अपर बाउंड्री भी बना दिया हमने, लोअर बाउंड्री भी बना दिया, और वाइडर सीपीआर है मतलब चांसेस है कि ये जो वीक है इसमें R1 प्रीवियस वीक हाई और सीपीआर के बीचों बीच ही ट्रेवल करने की संभावना ज़्यादा है। जब तक कि ये R1 प्रीवियस वीक हाई को ब्रेक नहीं करेगा तब तक हम उस जो बाउंड्री बनाए हुए हैं दोनों साइड का उस बाउंड्री को ब्रेक नहीं करेंगे। अगर वो R1 प्रीवियस वीक हाई के ऊपर निकल जाता है तब हम क्या करेंगे कि जो नीचे का जो दीवार बना कर रखें उसको होल्ड कर सकते हैं, चाहे तो हम जो हेजिंग वाला पोजीशन है उसको कट करके नेकेड उसको सेल करके रख सकते हैं और ऊपर का पोजीशन को फिर से फ्रेश बना सकते हैं, और ऊपर का जो बाउंड्री है उससे हम थोड़ा सा लॉस जो होगा उसको एक्सेप्ट करेंगे और उसके बाद ऊपर का पोजीशन को ही कंटिन्यू कर लेंगे, या फिर हम पुट में बियर स्प्रेड को कंटिन्यू कर लेंगे सीधा सीधा। फ्रेंड्स, अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फॉर कंप्लीट लर्निंग यू कैन ज्वाइन अवर मास्टर क्लास, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो।